अच्छा, अब शरणागति के लक्षण क्या है जरा सुन लीजिए। आहा, छह लक्षण है। पहला लक्षण, जिसकी शरण में रहो उसी के अनुकूल रहना। गुरु की शरण में रहो तो गुरु के ही अनुकूल रहना, प्रभु की शरण में रहो तो प्रभु के ही अनुकूल रहना। कोई रहा? गोपियां। गोपियां भगवान के अनुकूल रहीं। भगवान ने कहा हम जा रहे हैं, गोपियां कहती हैं गोविंद अगर तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो चले जाओ। तत् सुख सुखित्वम, जिसमें आप सुखी हो आप वही काम करो। भगवान चले गए, गोपियां खुश हो गई। ये पहला लक्षण है। और छह लक्षणों में शरणागति का दूसरा लक्षण क्या है? जो भगवान को प्रिय ना हो वो ना करना। जैसे भगवान को प्रिय क्या नहीं है? कुसंग प्रिय नहीं है, भगवान को ईर्षा प्रिय नहीं है, भगवान को काम प्रिय नहीं है, भगवान को वासना प्रिय नहीं है। ऐसी संगत से बचना। कैसी संगत? जो तुम्हें राम से दूर ले जाए, जो तुम्हें भक्ति से दूर ले जाए, जो राम को काल्पनिक कहें, जो राम के विरोधी हो, ऐसा भले ही ब्रह्म क्यों ना हो, ऐसे मित्र का और व्यक्ति का सदा सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। यह दूसरा लक्षण है। अच्छा महाराज, किसी ने आज तक त्यागा है? हाँ त्यागा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन भाई मुद मंगलकारी। किसने त्यागा? पिता का रिश्ता सबसे बड़ा होता है लेकिन त्याग दिया। किसने? प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया। जा कोई काम के नहीं। क्यों? तुम भगवान विरोधी हो, हमारे काम के नहीं हो। अच्छा पिता को तो त्यागा, पर आज तक किसी ने मां को त्यागा? हाँ, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मां को त्याग दिया भरत जी महाराज ने। क्यों? तुमने हमसे भगवान को दूर किया है, तुमने भगवान को वन भेज दिया। आज के बाद मैं भरत लौट कर अपने मुंह से तुम्हें मां संबोधित नहीं करूंगा। लो, मां को भी त्याग दिया, भाई को भी त्यागा। हां, किसने? विभीषण जी ने। असे कही चला विभीषण जब ही, असे कही चला प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अच्छा, माता पिता भाई, भाई को त्यागा विभीषण जी महाराज ने, पर क्या आज तक किसी ने गुरु को त्यागा? हाँ त्यागा। सबसे बड़ा रिश्ता गुरु जी का होता, बोलो होता कि नहीं होता? माता जी का, पिताजी का, भाई का रिश्ता तो बड़ा होता है, लेकिन इनसे बड़ा किसका रिश्ता होता है? बोलो बोलो बोलो, गुरु जी का होता कि नहीं? लेकिन उनको भी त्याग दिया। किसने? बलि गुरु तजो, बलि महाराज ने गुरु जी को त्याग दिया। जब बामन भगवान बन करके आए और गुरु जी बोले इनके चक्कर में ना फंसना, ये छोटे से ब्राह्मण नहीं है, छलिया है, छलिया तुम्हें छल लेंगे। धीरे से बलि ने पूछा महाराज हैं कौन? गुरु जी बोले शुक्राचार्य जी। बलि,
ये कोई साधारण नहीं है, विष्णु भगवान है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, तुमसे कुछ मांगेंगे, कुछ मत देना। पता है बलि क्या बोला? जो दुनिया को देते वो हमसे मांगेंगे, वो हम चुप बैठ जाए। गुरुजी तुम साइड में हो जाओ, हम तो देंगे। गुरुजी बोले मूर्ख, गुरु की बात नहीं मानता, नरक जाएगा, नरक। मुस्कुराते हुए बलि बोला, ऐसे तो हम 100 नरक भी भोगने को तैयार हैं, जब मांगने वाला परमात्मा हो तो ये आत्मा देने को तैयार है। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, शुक्राचार्य जी का। गुरुजी ने सोचा एक काम करें, ये हमारा चेला बर्बाद ना हो जाए, हमारा चेला इन्हें कुछ दे ना पाए, क्या करें? देने के पहले संकल्प होता है, पंडित जी संकल्प करते, विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो, तो संकल्प में जल डालते, जल कमंडल से डालेंगे। शुक्राचार्य जी कमंडल की जो टोंटी होती जहां से जल गिरता वहीं बैठ गए। अब जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा भग जाएंगे, हमारा चेला बच जाएगा। लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं है, भगवान ने जैसे ही जल डाला जल नहीं निकला, क्योंकि जल के छेद में तो बैठ गए थे शुक्राचार्य जी, भगवान ने तुरंत क्या किया, एक कुसा निकाला और कुसा जैसे ही भीतर डाला सोई आंखी फूट गई, बाहर निकले दिमाग फड़फड़ा गया। गुरुजी से बलि बोला क्या हुआ गुरुजी, आंख क्यों फूट गई? दूसरा बोला जल्दी जाओ फिर से पानी डाल रहे। शुक्राचार्य जी बोले अब हमें अंधा नहीं होना है, एक फूट गई सो जाने दो, एक से काम चलाएंगे, अपन तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी बाहर आ गए, लौट के नहीं गए, तो लोग गुरु को भी त्याग दिया। किसने? चेला ने। कौन से चेला ने? बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन भये मुद मंगल कार। मेरे प्रिय जनों, मेरे छत्तीसगढ़ के पागलों, ऐसे व्यक्ति की संगत मत करना जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए, ऐसे व्यक्ति को त्याग देना। तुम्हें संगत करनी ही है तो ऐसे व्यक्ति की संगत करना जो तुम्हारा भगवान से तार जोड़ दे। है? संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों। इसीलिए संगति अच्छे की करना, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के घोड़े मोड़े ऐसा कोई संत मिले। कथा कहती भैया ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे, बोलो सीताराम। अब कई लोगों को ऐसे मित्र मिलते हैं जो मंदिर नहीं मदिरालय ले जाते हैं, फिर क्या, पर सीताराम नहीं होता, पौवा पी के आ जाते हैं। लोग कहते हैं क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो दोस्ती में हो गया। अब भाई ऐसी दोस्ती काहे को करते हो, ठठरी बराने दो ऐसे दोस्तों को, है जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं उनको ठठरी बराने दो, ऐसे लोगों की संगत मत करो, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद क्या, कुछ बचेगा ही नहीं। एक बार छत्तीसगढ़ का रायपुर गुड़ेहारी में रहने वाला एक चेला हमारे पास आया, चंगीलाल, गुड़ियारी का चंगीलाल हमारे पास आया। बोला गुरुजी जुखाम हुआ है, जुखाम। हमने कहा जुखाम हुआ तो हम क्या करें, गोली खा लो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमने सुना है दारू पीने से जुखाम मिट जाता है, ऐसे छत्तीसगढ़ में ही लोग पाए जाते। बोला गुरुजी हमने सुना दारू पीने से पौवा पीने से जुखाम मिट जाता है, हमने कहा पी ले। तो बगल में खड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के फाफाडी का एक और चेला, वो बोला गुरुजी कैसी उल्टी बात कहते हो, तुम तो पीने पर रोक लगाते हो, उसको कह रहे पी ले। अरे हमने कहा उसका रोग तो पूछो क्या है, बोले जुखाम है। हमने कहा सही तो है, वो कह रहा है क्या दारू पीने से जुखाम मिट जाएगा, लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, जमीनें मिट गई, इसका जुखाम तो मिटा ही जाएगा। बोलो सीताराम, जोरों से बोलो, बोल शंकर भगवान की। लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, इनका जुखाम नहीं मिटेगा क्या? अच्छे अच्छे लोग मिट गए, लीवर फूल गया, कई लोगों का लीवर खराब। एक आदमी हमें और मिला, अब हम क्या बताएं, ये सब लोग छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं।
एक आदमी और मिला बिलासपुर का, हमने कहा तुमने इतनी पी के लीवर खराब कर लिया। बोला गुरुजी हम तो बढ़िया थे, दारू ठीक थी, लीवर ही कमजोर था। ले ओ, आओ, आओ, आओ। बोले हम ठीक थे, दारू ठीक थी, लीवर कमजोर था। हमने कहा अब विचार क्या है? बोले ब्रह्मा जी पे केस करेंगे, इतनी कम क्वालिटी का लीवर दिया है। बताइए, हमने कहा कहीं तुम छत्तीसगढ़ से तो नहीं हो? बोला सही कहा तो गुरु। कहा जय हो तोला। बताइए ऐसे लोग तो संगति, संगति किसकी करो? जिसके मुख पर राम, जिसकी वाणी में सीताराम, मस्तक पर चंदन, गले में कंठी की माला, ऐसे व्यक्ति की संगति करोगे तो भैया मदिरालय नहीं मंदिर जाओगे। बोलो सीताराम। तो शरणागति के छह लक्षण। पहला लक्षण है हमको भगवान के अनुकूल रहना चाहिए। दूसरा लक्षण भगवान के जो विरोधी हैं उनसे दूर रहना चाहिए। शरणागति का तीसरा लक्षण भगवान पर अटूट भरोसा होना चाहिए। किस पर भरोसा? लेकिन हम लोग भी कम खतरनाक नहीं है, इंसान पर भरोसा कर लेते, भगवान पर नहीं करते। और जो भगवान पर भरोसा नहीं करता उसको शरणागति प्राप्त नहीं होती, उसका कल्याण भरोसे की बात है। भरोसा करोगे भगवान को पाओगे, भरोसा नहीं करोगे तुम कहीं भी भगवान को नहीं पाओगे। जैसे भरोसा होता है उसे पत्थर में भी परमात्मा मिल जाता है, और जैसे भरोसा नहीं होता है उसे परमात्मा में भी पत्थर प्राप्त होता है। बोलो सीताराम, बोल शंकर भगवान की। तो ये तीसरा उपाय, भगवान पर अटूट भरोसा करो, ये लक्षण है। चौथा लक्षण हर समय भगवान को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? बोलो बोलो बोलो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शरणागति का चौथा लक्षण है भगवान को बार बार धन्यवाद देना। प्रभु आपकी जय हो। क्यों? अच्छा भगवान को धन्यवाद क्यों देना? मान लो भगवान ने तुम्हें भैंस बनाया होता तो क्या तुम कथा सुन रहे होते? बताओ, हाँ जी या ना जी? अच्छा मान लो तुम घोड़ा बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? कहीं बंधे होते। भगवान ने हम लोगों को क्या बनाया? मनुष्य बनाया। इसलिए भगवान को हर पल धन्यवाद देना चाहिए, ये चौथा लक्षण। अच्छा पांचवा लक्षण क्या है? जो मिला उसे अपना मत मानो। किसका मानो? भगवान का। हमारे पास जो है वो हमारा नहीं है, किसका है? जोर से बोलो, भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा भी भगवान का। भगवान ने तो कर्म की चाबी तुम्हें पकड़ा दी, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो तुम्हारे ऊपर है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। जो खेत में बीज बोओगे वही काटोगे, आम का फल लगाओगे आम काटोगे, जामुन का नहीं खा सकते। अच्छा इसीलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही जितना, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है।
भगवान ने क्या नहीं दिया? दो आंखें दी, एक दो कान, एक मुंह, नाक, हाथ, पैर। विचार करो भगवान तुम्हें सब बढ़िया बना दे, पांव ना दे, पैर ना हो, तो क्या तुम भगवान को धन्यवाद दोगे? बहुत से लोग हमारे पास रोते हुए आते, गुरुजी हम तो बहुत परेशान, भगवान ने हमें कुछ देखा ही नहीं। अरे क्यों परेशान हो? एक आदमी हमें मिला यहीं छत्तीसगढ़ में, चंगीला, यहीं रहता है छत्तीसगढ़ में। हमको प्राप्त हुआ रायपुर में रेलवे स्टेशन के पास, शंकर नगर है। हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हमने कहा भारत में और जूतों की कमी? कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे, तुम ही को मना करना पड़ेगा कि आप रहने दो, बाल उखड़ गए। भारत में जूतों की कमी? अरे बोले पिटने वाले जूते नहीं। हमने कहा कौन से जूते? बोला पहनने वाले। हमने नीचे देखा, हमने कहा ये जूते पहने तो हो, ये क्या है? बोला गुरुजी हैं तो पर कंपनी के नहीं है। देख तो बताइए, जूता कंपनी के नहीं है इसलिए रो रहा। हमने उसका हाथ पकड़ा, एक जगह ले गए। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा चलो। जैसे ही ले गए, एक झोपड़ी में गरीब आदमी काला सा बैठा हुआ, तौलिया गले में डाले हुए बैठा, हमको देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके मुस्कुराने लगा, गुरुजी आइए। हमने कहा इसे देखो। वो व्यक्ति बोला क्या देखना है? बैठा है, लंगड़ा है। हमने कहा जरा विचार करो, इसके तो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा। भगवान ने तो तुम्हें पैर भी दिए फिर भी रो रहे, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन होगा? विचार करो, हम दुखी क्यों हैं? अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आदमी अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। पड़ोसी का दो मंजिल मकान बन जाए दिमाग खराब हो जाता। एक हमारा चेला है बेंगलुरु में, बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी। हम जब भी उसके घर जाते थे मकान दिखाता था, हर बार दिखाता था, उसका काम ही था, गुरुजी ये बेडरूम देखो, ये बढ़िया वो नहाने वाला होता जो समुद्र जैसा, क्या होता पूल, क्या समन स्विमिंग पूल। हाओ हमको दिखाता, गुरुजी देखिए हर कमरे में स्विमिंग पूल है। अरे हमने भी एक दिन डुबकी लगाई, बहुत मजा आया। स्विमिंग पूल एकदम नीला नीला पानी, लाइट है, बढ़िया लिफ्ट लगी, अमीर आदमी, लिफ्ट लगी, बढ़िया छत पर फुलवारी लगी, पीछे बढ़िया क्रिकेट खेलने का ग्राउंड, आहा। लेकिन हम एक डेढ़ साल पहले गया, टेंशन में बैठा। हमका क्या बात है टेंशन में क्यों? उसकी पत्नी आई, बोला गुरुजी क्या बताएं, पड़ोसी का हमसे बेहतरीन मकान बन गया, तब से ये टेंशन में है। बताइए इसका मतलब व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। हमने कहा हार्ट अटैक में मर जाओगे, मर जाओगे। अरे भाई बन गया तो क्या दिक्कत है? तब तक हमसे उसकी पत्नी बोली गुरुजी उसके घर तुम मत चले जाना, नहीं तो इन्हें तो आईसीयू ले जाना पड़ेगा। अरे हमने कही बताओ तो। बोलो सीताराम, बोलो शंकर भगवान की। ऐसे लोग पाए जाते हैं, बताइए कितने विचित्र लोग पाए जाते। अच्छा आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है। एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भए, वरदान मांगो। बोला भगवान हम जो चाहें सो मिले ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो तुम जो चाहोगे वो मिलेगा लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोले तुम जो चाहोगे वो मिलेगा पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने सोचा चलो ट्राई करके देख ले, दे दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ये आदमी घर आया, घर आकर के कहता हे भगवान हमारा एक मकान बन जाए, पड़ोसी के दो बन गए। इसका तो एक बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब ये अपनी छत पे खड़ा हुआ, पड़ोसी के दो दो मकान, पड़ोसी खड़ा हुआ, बोला देखो दो दो। इसका दिमाग खराब, हे भगवान हमको एक बढ़िया BMW कार मिल जाए, पड़ोसी को दो दो। इसका फिर दिमाग खराब, हमारी तो एक पड़ोसी की दो। हे भगवान हमारे लुगाई नहीं है, एक लुगाई मिल जाए, पड़ोसी को दो दो।
एक लेफ्ट में एक राइट में, ये अपनी लुगाई को लेकर खड़ा हुआ। देखो पड़ोसी बोला, इधर देखो इसका दिमाग खराब, तपस्या हमने की, ब्रह्मा जी हमने प्रकट किए, मजे ये ले। तुरंत इसने सोचा चलो वरदान का दुरुपयोग करें, हे ब्रह्मा जी हमारी एक टांग टूट जाए। पड़ोसी की दो चली गई। अब तो इसने तो एक बैसाखी ली, पड़ोसी दो दो बैसाखी से, अब इसे मजा आया, ओहो और ले लो, दो दो लोग आई और ले लो, और ले लो। इसने कहा ये बढ़िया है, हे भगवान हमारी एक आंखी फूट जाए। पड़ोसी की दोनों चली गए, अब पड़ोसी अंधा। इसे और मजा आए, अपनों तो एक में काम चल रहा हो, तुम्हारी तो दोनों चली गई, अब ये अंधा अब दिखाई तो देता, एक दिया चांटा चटा, कौन है कौन है कौन है, और लो दो दो मकान, दो दो गाड़ी, दो दो लोग आई। हे भगवान हमारे मकान के बाहर एक 30 फीट गहरा कुआं खोद जाए। पड़ोसी के बाहर दो दो 60-60 फीट के, और अंतिम वरदान तो इतना खतरनाक मांगा कि तुम कहोगे कि आदमी भी कितना गजब का है, हे ब्रह्मा जी हम इस कुएं में गिरकर 50% मर जाएं। मतलब पड़ोसी की तेरी, ब्रह्मा जी प्रकट भय बोले वरदान कैंसल। बोला क्यों 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 कैंसल, क्यों कैंसल, तपस्या की हमने वरदान दिया तुमने। बोले वाह किसी को तुम निपटाई दोगे हमारे वरदान में। बोले हैं तब नहीं आए जब ये दो दो लोगाई रख रहा था, अब आ गए। ब्रह्मा जी समझ गए इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है, ये हम सब लोगों का हाल है। दूसरों को दुख में देख करके मजा आता है, कोई दूसरे का दुख देखकर दुखी नहीं होता, मन ही मन कहता है तुम्हारे साथ हो गया हमारे साथ नहीं हुआ है। इसीलिए मेरे प्रिय जनों चौथा लक्षण शरणागति का है, भगवान को धन्यवाद देना, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया समय भगवान को धन्यवाद देना। पांचवा, जो मिला उसे अपना ना समझना, किसका समझना। और छठवां लक्षण है कि हम भगवान के हैं, हम गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, हम भगवान के हैं, गुरु जी के हैं, इसका भी अभिमान ना हो। कई लोग हमें मिलते हैं, एक व्यक्ति हमें मिला, गुरु जी हमको बहुत विनम्र बनना है। हमने कहा जो मिले उसको प्रणाम करो, तुम सरल हो जाओगे। अब जो मिले सो ही प्रणाम करे। एक साल बाद हमें मिला, हमने कहा कहो तुम्हारा अभिमान चला गया, विनम्र हो गए। बोले गुरुजी अब तो और अभिमानी हो। हम कहा क्या हुआ। बोले गुरुजी हमें जो मिलता हम उसे प्रणाम करते हैं, तो हम मन में ये सोचते हैं कि बताओ हम कितने सरल हैं, हम इतने सरल हैं, ये भी एक अभिमान है। इसलिए मेरे प्रिय जनों छठवां लक्षण शरणागति का है कि हम भगवान के हैं, इसका अभिमान नहीं, इसका स्वाभिमान होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए गीता में आया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते अर्जुन सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा।